गाइस, आप लोगों ने ट्रेन में जरूर सफर किया होगा और सफर के दौरान खिड़कियों से सुंदर दृश्य देखने का प्रयास भी किया होगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, पटरियों के किनारे कुछ दूरियों पर एल्यूमिनियम के बने हुए बॉक्स लगे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे एल्यूमिनियम के बॉक्स क्यों लगे होते हैं? आइए जानते हैं। अब कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिक बॉक्स समझ रहे होंगे। नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। दरअसल ये एल्यूमिनियम के बॉक्स ट्रेन के पटरियों के किनारे सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं, जो हर 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर लगे होते हैं। ये बॉक्स एक्सल काउंटर बॉक्स की तरह काम करते हैं, जो पटरियों से गुजरने वाले रेलगाड़ियों के एक्सल गिनने का काम करते हैं। ट्रेन के पहिए जिस भाग से जुड़े होते हैं उसे एक्सल कहा जाता है। इस एल्यूमिनियम बॉक्स के अंदर स्टोरेज डिवाइस लगे होते हैं, जो सीधे रेल के पटरियों से कनेक्ट होते हैं। जब ट्रेन इस पटरियों से गुजरते हैं तो किनारे पर लगे हुए ये बॉक्स उसके एक्सल को गिन लेते हैं, जिससे इस बात की जानकारी मिलती है स्टेशन से जितने एक्सल के साथ ट्रेन निकले थे अभी भी उतने एक्सल के साथ है या नहीं। हर 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर लगा हुआ यह एक्सल काउंटर बॉक्स एक्सल को गिनकर आगे वाले बॉक्स को बता देता है। अगर एक्सल की संख्या पहले वाले संख्या से मैच नहीं होती है तो वह रेलवे ट्रैक के सिग्नल को रेड कर देती है, जिससे ट्रेन रुक जाता है और हादसे को रोकने का काम करती है। अगर कोई हादसा हो जाता है या ट्रेन के डिब्बे कहीं से अलग हो जाते हैं तो यह एक्सल काउंटर बॉक्स यह बतलाता है कि किस हिस्से से ट्रेन के डिब्बे अलग हुए हैं। साथ ही यह बॉक्स ट्रेन की स्पीड और दिशा बताने का काम करती है। इस तरह से रेलवे पटरियों के किनारे बने हुए ये एल्यूमिनियम के बॉक्स, जिसे एक्सल काउंटर बॉक्स भी कहा जाता है, यात्रियों के जान बचाने में मदद करता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।